एक तरफ जहां विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की चुनाव की दिशा को मोड़ने का प्रयास किया है, अपने जो कार्य हैं उसमें विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया जा रहा है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, उनके अनुयायी साबित हुए हैं। हर बार हमने देखा है कि केंद्र की योजनाओं को लपक लेने में, केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहता है। कई दफा मीटिंगों में, समीक्षा बैठकों में और तमाम तरह के जो परिचर्चाएं हुई उनमें यह रेखांकित किया गया है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई संकल्प रखते हैं, कोई योजना रखते हैं, उसे पूरा करने में जो अग्रणी राज्य होता है वह मध्य प्रदेश है। और इस मामले में भी मध्य प्रदेश अव्वल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे चल पड़े हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर की जितनी ख्याति है उतना ही मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर परिसर की ख्याति है। महाकाल मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार को लेकर, वहां जो उसका नया रूप देना है उसको लेकर सारी तैयारियां, दो चरणों में जो कार्य होना थे लगभग पूरे होने को है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 3 महीने में विस्तार का और निर्माण का कार्य उसे पूरा करें, उसके बाद में सिंहस्थ 2028 को देखते हुए महाकाल पूरे क्षेत्र का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। बैठक हुई थी अखबारों ने इस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष जो प्रेजेंटेशन हुआ है, जो महाकाल मंदिर क्षेत्र का जीर्णोद्धार होना है उसकी तस्वीर प्रस्तुत की गई थी। पत्रिका ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है। महाकाल मंदिर परिसर को इस तरह से प्रस्तावित है, इस तरह से उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो 425 करोड़ रुपए की दो चरणों की योजना है इसे 3 महीने में पूरा करें। 3 महीने में पूरा करने के साथ में ही तैयारियां की जा रही हैं, कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाए, वे आए और विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह वे महाकाल मंदिर क्षेत्र का भी जो जीर्णोद्धार हुआ है उसे भी लोकार्पित करें, उसे भी अर्पित करें। और ये जो तमाम तैयारियां हैं कि सिंहस्थ के पहले न केवल कॉरिडोर बनेगा बल्कि अभी 3 महीने में चुनावों के पहले महाकाल मंदिर परिसर जो क्षेत्र है वो निखर कर सामने आ जाएगा, उसके संवार दिया जाएगा और स्वाभाविक कि मालवा और पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति है महाकाल की उसको संवारने का, उसके रूप निखारने का जो क्रेडिट है वो भाजपा सरकार अपने खाते में लेगी और इस तरह से एक और उपलब्धि अपने खाते में लेकर जनता के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाकर भी अपनी जो राजनीतिक हैसियत है, अपना जो राजनीतिक खाता है उसमें एक उपलब्धि, एक सितारा और टांक लेंगे।